नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो अहम खबरें बताऊंगी। पहली खबर इजराइल हमास युद्ध को लेकर है। चीन ने हमास को अपना खुला समर्थन दे दिया है। चीन की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जो अभी तक किसी मुस्लिम देश की तरफ से भी नहीं कहा गया। चीन ने दो टुक कहा है कि अगर फलस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो उन्हें हथियार उठाने का अधिकार है। वहीं दूसरी खबर अफ्रीकी मुस्लिम देश सोमालिया और तुर्की से है। सोमालिया ने अपनी समुद्री क्षेत्र की हिफाजत का जिम्मा अब तुर्की की सेना को सौंपने का फैसला किया है। आपको बता दें, सोमालिया का इथियोपिया के साथ झगड़ा चल रहा है। ऐसे में सोमालिया ने तुर्की के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। सोमालिया ने अपना समुद्री इलाका तुर्की की सेना को सौंप दिया है। अब इस पूरे समुद्री इलाके में तुर्की की शक्तिशाली नौसेना 10 साल तक रहेगी। चीन ने हमास के समर्थन में क्या कहा और सोमालिया ने तुर्की के साथ क्या समझौता किया, दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाजा में इजरायली सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे फलस्तीनी संगठन हमास के समर्थन में चीन खुलकर सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि अगर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो फलस्तीनी लोगों का हथियार उठाना जायज माना जाएगा। चीन की तरफ से कहा गया है कि फलस्तीनी लोगों को हथियार उठाने का अधिकार है क्योंकि गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। चीन ने कहा है कि फलस्तीनी लोगों को अपना फैसला खुद करने और विदेशी उत्पीड़न का विरोध करने और अपने एक आजाद देश की स्थापना करने के लिए बल का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। चीन ने तर्क दिया है कि फलस्तीनी लोगों की तरफ से हिंसात्मक कदम आतंकवाद नहीं बल्कि संघर्ष है। इससे पहले भी दुनिया के कई हिस्सों में अत्याचार से मुक्ति के लिए हथियार उठाकर संघर्ष किया गया है। चीन का ये बयान इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान आया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सोमालिया ने अपनी समुद्री क्षेत्र की हिफाजत का जिम्मा तुर्की की नौसेना के हवाले करने का फैसला किया है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समझौते के बाद अगले 10 साल तक तुर्की की शक्तिशाली नौसेना इस समुद्री इलाके की सुरक्षा करेगी। इतना ही नहीं, अब तुर्की की सेना सोमालिया की सेना को ट्रेंड भी करेगी, उन्हें तैयार भी करेगी और हथियारों से लैस करेगी। तुर्की के लिए यह समझौता एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते से जहां तुर्की को काफी कमाई होने की उम्मीद है तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी देश इथियोपिया से उसका तनाव भी भड़क सकता है। आपको बता दें, तुर्की बहुत तेजी से मिडल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। तुर्की के सैनिक लीबिया, सीरिया, इराक, अजरबैजान और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा है कि ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। बर्रे ने विश्वास दिलाया कि ये समझौता आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, प्रदूषण और भारी खतरों को दूर करेगा। उनका इशारा इथियोपिया की तरफ था क्योंकि सोमालिया का इथियोपिया के साथ लगातार विवाद चल रहा है। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।